एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूं जिसको आप मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप उसे एज अ स्किन केयर यूज़ कीजिए, चाहे आप उसे एज अ मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और बहुत सारे यूजेस भी हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है मेरे पास वो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। ये है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। ये आप देख सकते हैं, इसकी इस तरह की पैकेजिंग है। ये ग्लास की बॉटल है। इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा आपको। अगर ये हाथ से गिरी तो ये टूट भी जाएगी। आप देख सकते हैं कैसी लग्जूरियस पैकेजिंग है इसकी। इस तरह का गोल्डन कैप है इसके साथ। ये 32 ml का प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है ₹399। ये मेरे पास जो शेड है ये है गोल्डन टिंट। इसमें टोटल 3 शेड्स अवेलेबल हैं, नेचुरल, गोल्डन एंड पिंक। आपको जो अच्छा लगे, आपको जो आपकी स्किन टोन पे जो सूट करे, आप वो ले सकते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही लाइट वेट है। मैं आपको इस तरह से अप्लाई करके बताती हूँ अपने हैंड पर। ये बिल्कुल थोड़ा सा लेना पड़ता है। ये देखिए आप, इस आप इसको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। आगे इसी वीडियो में आपके साथ इसके बेनिफिट्स और यूजेस भी शेयर करूंगी अभी, ताकि आप जान पाएं इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं और आप इसको किन किन वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है, ये हमारी स्किन को ब्राइटन करता है, हमारे पोर्स को ब्लर करता है, क्योंकि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। जैसे मैंने पहले बोला था कि इसको आप एज अ स्किन केयर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करेगा। और आपकी स्किन पे जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो आपको एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करता है। ये थे इसके इतने सारे बेनिफिट्स। तो अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसको किन किन वेज में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर नहीं भी जा रहे हैं, अगर घर पर ही हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है नेचुरल और ग्लोई लगे। आप मेकअप प्रोडक्ट कोई यूज़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपका चेहरा जो है वो एकदम चमकता हुआ नज़र आए और आपके चेहरे पर एक ग्लो नज़र आए, तो आप इस प्रोडक्ट को एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए। आप देखिएगा कि आपका चेहरा जो है नेचुरली ग्लोइंग नज़र आएगा। और सेकेंड जो इसका यूज़ है, आप इसको एज अ प्राइमर यूज़ कीजिए। जब आप मेकअप करने वाले हों, सबसे पहले मॉइस्चराइजर के बाद आप इसको अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद फाउंडेशन एंड कंसीलर यूज़ कीजिए। तो ये प्राइमर का काम करेगा, आपके पोर्स में फिल हो जाएगा, और उसके बाद आप जो भी मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो वो सीधा स्मूथली अप्लाई होगा। थर्ड जो यूज़ है इसका, वो है एज अ हाइलाइटर। अगर आप चाहते हैं कि आप पाउडर वाला हाइलाइटर ना यूज़ करें, तो आप लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करना चाहते हैं जो कि आपकी स्किन पे बिल्कुल नेचुरल लगे, किसी को पता भी ना चले कि आपने कोई हाइलाइटर भी अप्लाई किया है, आपकी स्किन नेचुरली शाइन करे, तो आप इसे एज अ हाइलाइटर यूज़ कीजिए। आप थोड़ा सा लेके अपनी फिंगर पे इस तरह से अपने यहाँ पे चीक बोन्स पे, नोज पे, अपने यहाँ पे चिन पे, यहाँ पे नोज पे, आप जहाँ जहाँ भी हाइलाइटर अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपके फेस के हाई पॉइंट्स हैं, आप जिनको हाईलाइट करना चाहते हैं, आप वहाँ बिल्कुल हल्का हल्का सा फिंगर के साथ ही ब्लेंड कीजिए। आप उसके बाद देखिएगा कि कोई आपके पास भी बैठा होगा तो उसको भी पता नहीं चलेगा कि आपने हाइलाइटर अप्लाई किया है, आपकी स्किन पे ये एकदम बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग नजर आती है। फोर्थ यूज़ है इसका, जो आप इसको अपनी फाउंडेशन के बीच में भी मिक्स कर सकते हैं। तो आपके पास जो फाउंडेशन है वो मैट है, आप चाहते हैं कि मुझे मैट मेकअप नहीं करना है आज। कभी मन होता है किसी दिन मैट मेकअप कर लिया, किसी दिन मन किया कि आज मैं ग्लोई मेकअप करूं, तो अलग अलग फाउंडेशन नहीं है आपके पास, मैट की अलग, ग्लोई की अलग, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अपनी फाउंडेशन के बीच 1 pump मिक्स कर लीजिए इस तरह से,
तो फिर आप अपने फेस पे अप्लाई करिए। आप देखिएगा कि जो आपका फाउंडेशन है वो मैट से ड्यूई बन जाएगा, ग्लोई बन जाएगा। अगर आप जब आप उसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका जो फेस है बिल्कुल नेचुरली शाइन करेगा और आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो तो फाउंडेशन की वजह से कवर हो ही चुके होंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एक। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है और मेरे लिए ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। मैंने जब से इसे लिया है मैं तब से इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी मिले हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है ये मुझे। मुझे हाइलाइटर लगाने का मन ही नहीं करता जो मैं ब्रश से लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ अब मैं वो। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे हाथ हमेशा इसी पर चले जाते हैं क्योंकि ये मेरे चेहरे को नेचुरली ग्लोइंग बना देता है। हाइलाइटर में क्या होता है कि कभी कभार चंकी पार्टिकल्स होते हैं लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कोई चंकीनेस नहीं है, ये नेचुरली शाइन करता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है आप भी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।